गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के अंदर, कल हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर डॉल्टन के सिद्धांत पढ़े थे परमाणु सिद्धांत के बारे में। परमाणु के बारे में हमने जाना, नया पाठ शुरू किया था हमने सेवन, तो उसमें हमने परमाणु पढ़ा था, परमाणु सिद्धांत पढ़ा था और फिर थॉमसन का प्रयोग हमने पढ़ा था। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस पार्ट में, जो पाँच नंबर का क्वेश्चन आता है, उसका सबसे एक क्वेश्चन जो हर बार पूछते हैं हमें, ज़्यादातर ये सवाल पूछते रहते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से इसको समझे और मेरे साथ इसको लिखे भी, बोलिए अगर आप लिख चलना चाहते हो तो इसको लिखे भी। तो आज हम सातवें पार्ट के अंदर पढ़ेंगे रदरफोर्ड, क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का श्वान पत्र प्रयोग ये आज हम पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, परमाणु के बारे में सभी स्ट्रक्चर, सभी ने अपनी अपनी थ्योरी दी। डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जे.जे. थॉमसन ने परमाणु के बारे में बताया। अब इस परमाणु के बारे में आगे व्याख्या करने के लिए कौन आया, रदरफोर्ड। तो ध्यान रखना, रदरफोर्ड सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया। तो रदरफोर्ड आया 1911 में, कब, 1911 में, सन 1911 में रदरफोर्ड, कौन, वैज्ञानिक रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने, रदरफोर्ड और कौन, ये प्रयोग किसने किया, रदरफोर्ड व उसके शिष्यों ने, व इसके शिष्यों ने किया, रदरफोर्ड व इसके शिष्य, जो भी छात्र थे इसके, उन्होंने ये प्रयोग किया। देखो तो ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है, तो परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु में क्या उपस्थित होता है उसके बारे में इसने बताया। तो कब, 1911 में रदरफोर्ड और उनके साथियों ने मिलकर, इनके जो छात्र थे उन्होंने मिलकर इस प्रयोग को किया। तो सबसे पहले हमने इसको प्रयोग को पढ़ते हैं, इसको अलग अलग डिवाइडेशन में हम इसको पढ़ेंगे। उसने क्या प्रेक्षण लिए, उनके क्या परिणाम निकले, क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला, क्या कमियां रही, वो सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या प्रयोग किया, सबसे पहले इसका प्रयोग क्या था, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम इसका प्रयोग, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड पे, तो सबसे पहले इसका प्रयोग क्या था वो हम पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग किसने, सबसे पहले प्रयोग क्या किया, देखो ध्यान समझना, इसने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली, इस तरीके से इसका प्रयोग था। पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, इस तरीके से एक इसने वृत्ताकार पथ लिया, ये वृत्ताकार पथ, इस तरीके से एक वृत्ताकार इसने क्या लिया, एक पथ लिया इस तरीके से, ये वृत्ताकार। अब इसमें क्या क्या, ये वृत्ताकार पथ क्या था, ये था एक कवर, गोलाकार वृत्ताकार प्रतिदीप्ति कवर था, जिसके ऊपर क्या किया था इन्हें, जिंक सल्फाइड का लेप किया था। ये था जिंक सल्फाइड का लेप, किसका, जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ पर्दा था, लेप, जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ क्या था, वृत्ताकार पर्दा, ये क्या, एक वृत्ताकार पर्दा था, वर्ताकार पर्दा, आई बात समझ में। अब इसके बीच में इसने एक सोने की क्या रखी, पतली पन्नी, ये सोने की एक क्या थी, पतली पन्नी थी, क्या थी, सोने की पन्नी, ये सोने की एक पतली पन्नी थी, ठीक है। और एक यहां इसके सामने इसने क्या किया, एक ऐसा डिटेक्टर रखा, मतलब इसके ऊपर भेजने के लिए एक ऐसा एक अल्फा कणों, यानी हीलियम के नाभिक का इसने क्या की, बमबारी कराई इसके ऊपर, ये अल्फा कणों से, ये इस तरीके से ये कण इसके ऊपर गुजारे, क्या थे, ये अल्फा कण की रेखा थी, अल्फा कण की ये रेखा है, किस तरीके से अल्फा कण गए ये, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कणों, इसमें क्या थे, अल्फा कणों की बौछार थी यहाँ से, तो इसने देखा कि इसमें से कुछ कण जो है वो इस तरीके से यहाँ रिफ्लेक्ट हुए, कुछ कण ऐसे निकल गए, कुछ कण जो है यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से गए और इस तरीके से ये क्या हुए, इस पर रिफ्लेक्ट हुए, ये सारे कण इस तरीके से आके टकराए इसके,
इस तरीके से हुआ। तो क्या हुआ, देखो क्या इसका प्रयोग था, ये एक तरीके से क्या हुआ, बमबारी कराने के लिए एक बॉक्स टाइप यानी डिटेक्टर, इसमें से इसने अल्फा कणों की बमबारी कराई। अल्फा कण का मतलब हीलियम के नाभिक, किसके नाभिक, हीलियम के नाभिक। अल्फा कण का मतलब क्या, ये उच्च ऊर्जा वाले हीलियम के नाभिक होते हैं। तो प्रयोग इसका क्या था, प्रयोग में अपन ध्यान रखें, देखो प्रयोग क्या किया इसने, इसने एक सोने की पतली पन्नी ली, जिसकी देखो सोने की क्या ली, पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी, इसकी मोटाई जो थी, इसकी जो मोटाई थी वो मोटाई कितनी थी, सोने की पत्ती की जो मोटाई थी वो थी 10^-7 मीटर, या थी 100 mm के बराबर, 100 मिलीमीटर के बराबर, या 10^-7 मीटर की क्या ली, पतली पन्नी, बहुत पतली पन्नी सोने की ली। अब इस पर किस क्या किया इसने, अल्फा कण, अल्फा कण का मतलब क्या होता है, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक, नाभिक ये क्या थे, अल्फा कण उच्च ऊर्जा वाले कण थे, कैसे थे, उच्च ऊर्जा वाले क्या थे, कण, उच्च ऊर्जा वाले कण थे, बहुत ज़्यादा इनकी हाई एनर्जी थी। अल्फा कण जो होते हैं उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, तो अल्फा उच्च ऊर्जा वाले कण थे, जिन पर इन्होंने क्या की, यहाँ से इसने इस सोने की पन्नी पर क्या कर दी, बमबारी कराई, इस पर बौछार कराई, बमबारी कराई, किसकी, अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी, किस पे, सोने की पतली पन्नी पे। अब इसकी दिशा पता करने के लिए कि भाई ये कण इससे टकरा के कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इसके लिए इसने क्या किया, एक गोलाकार या वृत्ताकार पथ बनाया, पर्दा बनाया, और इस वृत्ताकार किसका लेप किया, जिंक सल्फाइड का लेप किया, किसका लेप किया, जिंक सल्फाइड का लेप किया। इसने परमाणु की संरचना पता करने के लिए कि उसमें क्या होता है, इसकी संरचना देखने के लिए इसने क्या किया, एक पर्दा लगा दिया कि जैसे यहां से अल्फा कणों की इस पर बौछार कराई जाएगी, बमबारी कराई जाएगी, तो यहां से कण जो क्या होंगे, इसके टकरा के कहां कहां अटैच होते हैं, तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, स्फूर्तदीप्ति उत्पन्न कर देंगे। तो एक पर्दा बनाया, वो भी कैसा, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति वाला एक क्या बनाया इसने, पर्दा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, ये पर्दा कैसा उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति का मतलब एक इस प्रकार से चिंगारी उत्पन्न करेगा, इससे पता चलेगा कि ये कण यहाँ आके टकराए, यहाँ कर, इसकी दिशा पता करने के लिए इसने क्या किया, इस पर जिंक सल्फाइड का क्या कराया, लेप कराया, इसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का लेप कराया, ताकि यहाँ से कण टिकरे, जैसे ही यहाँ से कण निकले इससे टकराए, टकराने के बाद ये कहाँ टच होते हैं, वहाँ पर एक स्फूर्तदीप्ति, स्पार्किंग फ्लैश उत्पन्न होता है, उस फ्लैश से हमें पता चले कि भाई ये कण कहाँ आके टकराया, यानी उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जिंक सल्फाइड का क्या कराया, लेप कराया। तो ये तो था इसका प्रयोग, क्या था प्रयोग, क्या था प्रयोग, के रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली पन्नी ली, जिसकी मोटाई कितनी थी, 10^-7 मीटर या 100 mm के बराबर, और इस पर किसका बोछार कराई, अल्फा कणों या हीलियम के नाभिक के उच्च ऊर्जा वाले कण थे इनकी, इन पर क्या कराई इन्होंने, बोछार या बमबारी कराई, और इसके चारों तरफ इस सोने की पतली पन्नी के चारों तरफ एक वृत्ताकार क्या रखा, पर्दा रखा, और वृत्ताकार पर्दे पर किसका लेप कराया, जिंक सल्फाइड का लेप कराया। ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड का लेप क्यों कराया, क्योंकि इस अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए, किसके ज्ञात करने के लिए, जिंक सल्फाइड का लेप क्यों कराया, अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए जिंक सल्फाइड का लेप कराया। जिंक सल्फाइड के लेप का मतलब क्या था, अल्फा कणों की दिशा पता करने के लिए, अल्फा कणों की दिशा के लिए, दिशा के लिए, के अल्फा कणों की दिशा पता चले तो इसके लिए किसका लेप कराया, जिंक सल्फाइड का लेप कराया। आई बात समझ में, अब इसको क्या पता चला, इस प्रयोग से उसको क्या पता चला वो हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले इस प्रयोग के इसने प्रेक्षण लिए, तो प्रेक्षण क्या हुए इसके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेक्षण, तो ध्यान रखना इसके प्रेक्षण क्या लिए। ये तो था इसका प्रयोग, प्रयोग हमने बता दिया, सोने की पतली पिन्नी 10^-7 मीटर या 100 mm के बराबर, इस पर अल्फा कण या हीलियम के नाभिक उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, इनकी इसने बमबारी कराई, इस सोने की पतली पिन्नी के चारों तरफ इसने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का लेप लगाया। जिंक सल्फाइड का लेप किस लिए, क्योंकि अल्फा कणों की दिशा के लिए, क्योंकि ये जैसे ही कण यहाँ टकराएंगे तो क्या होगा, एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी, प्रतिदीप्ति स्पार्किंग होगी, तो पता चलेगा कि इस यहाँ यहाँ ये कण टकराए हैं। तो इस तरीके से ये इसका प्रयोग था। अब इसने क्या परीक्षण लिया, देखो ध्यान देना, प्रेक्षण में उसे पता चला इस तरीके से, देखो ध्यान देना, जब उसने प्रेक्षण लिया तो उसको क्या पता चला कि ये जैसे ही वृत्ताकार पर्दा था ये, अब यहां पर ये क्या हो गया, ये मान लिया ये सोने की पतली पन्नी थी, सोने की पतली पन्नी मान ली, मान लो ये वाला, ये सोने की पतली पन्नी, ये इस तरीके से। तो इसने क्या देखा कि जैसे ही ये कण आए तो कुछ कण तो इसमें से ऐसे गुजर गए, डायरेक्ट गुजर गए, कुछ कण क्या हो गए इस तरीके से इसके अंदर से डायरेक्ट गुजर गए, कुछ कण क्या हुए, कुछ कण 120 डिग्री के एंगल से क्या हो गए, 120 डिग्री के एंगल से मुड़ गए,
कुछ कण विक्षेपित हुए, कुछ कण क्या हो गए सीधे निकल गए, कुछ कण 120 डिग्री के एंगल से यहां निकले इस तरीके से। ये एक कण ऐसा था, एक कण क्या था ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से वापस आ गया, मतलब ये गया और ये वापस आ गया, ये वाला कण, ये वाला कण। कुछ कण ऐसे थे मतलब 20,000 कण जब इसने रहे तो एक कण ऐसा था जो यहां टकरा के वापस आ गया, इसी की ओर वापस मुड़ गया। तो अब इसने क्या परीक्षण किया, देखो इस परीक्षण में इसने क्या बातें लिखी कि उसने क्या देखा, वो सारी बातें वो लिखता है इस तरीके से। था ये था पर्दा और इस पर ये क्या किया, देखो अल्फा कणों की बोछार, ये क्या है अल्फा कण, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण। अब कुछ कण देखो ये सीधे निकल गए, कुछ कण ये 120 डिग्री के एंगल से इस पे टकरा के ये पर्दा, ये मान लिया पर्दा है यहाँ पर। तो कुछ कण क्या हो गए, कुछ कण तो देखो ऐसे सीधे निकल रहे इसमें ऐसे सोने की पतली पन्नी से में से क्या हो रहा है, सिकल किसके आसपास से बाहर निकल जा रहे हैं। कुछ कण क्या हो गए, ये 120 डिग्री के एंगल से क्या हो रहा है, 120 डिग्री के एंगल से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और एक कण ऐसा है जो वापस आ रहा है, देखो ये वाला जो कण है यहाँ से जाते ही ये वापस क्या हुआ, टकरा के वापस आया। तो उसके क्या प्रेक्षण थे वो अब हम लिखते हैं। इसने क्या कहा, पहला प्रेक्षण इसने कहा, देखो इसने क्या कहा कि अधिकांश अल्फा कण, इसने कहा कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। ये पहला प्रेक्षण था इसका, क्या कहा इसने, अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए बिना मुड़े सीधे निकल गए। देखो ये वाले अल्फा कण बिना मुड़े क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, बिना मुड़े क्या हो गए सीधे। तो पहला इसका प्रेक्षण क्या था कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, ये पहला प्रेक्षण था। दूसरी इसने प्रेक्षण की क्या बात लिखी, दूसरी बात इसने लिखी कि कुछ कण, कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के अंश से, या ऐसे लिख दो कुछ अल्फा कण कुछ अंश के, कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण से, कितना 120 डिग्री से कोण से मुड़ गए। दूसरा लिखा कि कुछ अल्फा कण कुछ अंश कोण यानी 120 डिग्री के कोण से क्या हो गए, मुड़ गए या प्रतिकर्षित हो गए। फिर तीसरा इसने क्या लिखा, तीसरा लिखा कि 20,000 में से 20,000 कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री से, 180 डिग्री के कोण से, 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ अर्थात क्या हो गया, 180 डिग्री के कोण से क्या हो गया, वापिस आ गया। ये बात तो तीन इसके प्रेक्षण थे, क्या थे, इसने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण तो कुछ अंश के कोण, मतलब देखो 120 डिग्री के कोण से क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ आते क्या हो गए, इधर मुड़ गए और एक इधर मुड़ गए। और 20,000 जब इसने कण ऐसे गुजरा तो उसमें से एक कण उसको ऐसा मिला जो क्या हुआ, डायरेक्ट यहाँ गया और यहाँ से टकरा के वापस आया, मतलब कितना डिग्री का एंगल, 180 डिग्री के एंगल से। तो 20,000 कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से क्या हो गया, विक्षेपित हुआ अर्थात वापस आ गया। तो ये इसके तीन प्रेक्षण इसने लिए, इसने तीन प्रेक्षण इसके अंदर देखे, क्या देखे, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण 120 डिग्री के एंगल से मुड़ गए, और कुछ जो 20,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। तो अब इसने अपने क्या निकाले, निष्कर्ष निकाले। तो ये तो था इसका प्रयोग और ये था इसका प्रेक्षण, अब हम इसका देखेंगे निष्कर्ष। तो इसने क्या निष्कर्ष निकाले, तो देखो अब इसका हम क्या देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कि इसने क्या निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष देखते हैं इसका, देखो ध्यान देना, ये मैंने लिखा हुआ ही है। अब इसने क्या निकाले, अपने निष्कर्ष निकाले, क्या निकाले, निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष थे इसके, तो ध्यान देना, इसने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, इसलिए अधिकांश कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। इसका मतलब पहला नियम क्या लिखा था इसने, कि परमाणु का
अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। तो पहला इसने क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। किसके आधार पे कहा? ये कहा क्योंकि ये बिना मुड़े सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, इसलिए कण क्या हो गए? डायरेक्ट निकल गए। तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे मुड़े निकल गए। दूसरा इसने निष्कर्ष क्या निकाला बताओ कि कुछ अंश के कोण 120 डिग्री से मुड़ गए। तो इसके ऊपर इसने क्या निकाला कि परमाणु में धन आवेशित भाग होता है, अतः उसने कण का इस कारण से अतः इस कारण अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए। अल्फा कण क्या हुए? प्रतिकर्षित। अरे भाई अल्फा कण भी तो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ये अल्फा कण किस वाले चार्ज वाले हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। इसलिए पॉजिटिव जब धनावेश इसने क्या परमाणु में धनावेशित भाग होता है तो कारण इस कारण क्या हुआ? अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए जो 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज वाला कोई कण है और एक पॉजिटिव चार्ज वाला कण इसके पास आएगा तो क्या करेगा? ये इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा ना, इसको दूर भगाएगा। तो इसका मतलब अधिकांश धनावेशित भाग छोटे से भाग में है। इसने क्या कहा कि धनावेशित भाग होता है लेकिन एक छोटे से भाग में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही उसके कण से पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चीज पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो गए? प्रतिकर्षित हो गए। इसलिए इसको क्या कर दिया? कण को रिफ्लेक्ट कर दिया और ये 120 डिग्री के कोण से मुड़ गए। तो इसने क्या कहा? परमाणु में धनावेशित भाग होता है, अतः कारण अल्फा कण क्या हुए? प्रतिकर्षित हुए। अब तीसरा क्या कहा? 20,000 कणों में से एक कण ऐसा तो 120 डिग्री के कोण। इससे क्या पता चला? 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ। इससे क्या पता चला कि धनावेशित भाग छोटे से भाग में है। किसमें? छोटे से भाग में। इस कारण से ये अल्फा कण इससे टकराया और मुड़ के वापस आ गया। तो इसका मतलब तीसरा इसका निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु में धन आवेशित भाग भाग केंद्र के छोटे से भाग में स्थित हैं, जिसे नाभिक का इसने क्या कहा? नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो इसका रदरफोर्ड ने नाम क्या दिया? नाभिक। इसका मतलब नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। तो इसने क्या कहा? परमाणु में धनावेशित भाग केंद्र के छोटे से भाग में, यानी धनावेशित छोटा सा भाग यानी छोटे से भाग में स्थित है। तो इसको इसने क्या कहा? नाभिका। तो तीसरे पॉइंट पे इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि धनावेशित भाग इसके अंदर होता है लेकिन कहाँ? एक छोटे से भाग में, बहुत छोटे से सूक्ष्म। जैसे मान लिया कि परमाणु का आकार जो होता है, ये परमाणु जो होता है वो 10^-10 मीटर का होता है। तो नाभिक कितने का होगा? नाभिक जो होगा इसका जो व्यास होगा वो होगा 10^-15 मीटर। कितना होगा? 10^-15 मीटर। हमने पढ़ा है कि परमाणु कितना होता है? 10^-10 मीटर का। तो नाभिक इससे छोटा, यानी परमाणु का कुल आयतन अगर हम 10^-10 मीटर मानते तो नाभिक कितना होगा? 10^-15 मीटर। ये -15 का मतलब और छोटा। इसका मतलब नाभिक इसके छोटे से भाग में है। तभी तो क्या हुआ कि एक कण जैसे इस डायरेक्ट प्लस, जैसे भाई ये प्लस है, ये डायरेक्ट प्लस से टकराया तो क्या होगा? ये प्लस इसको वापस क्या करेगा? उसी मार्ग दिशा में वापस छोड़ देगा। और इसको क्या किया? ये ऊपर से होकर निकल रहे थे इसलिए इसको प्रतिकर्षित किया, और बाकी कुछ प्लस के कण थे वो बहुत ऊपर से निकल रहे थे इसलिए ये तो डायरेक्ट निकल गए। ये जैसे ही पास आया क्या हुआ कि देखो पहले वाले कण ये जैसे प्लस यहां पर स्थित है, ये कण आए तो ये थोड़े दूर थे इसलिए क्या हुआ? डायरेक्ट निकल गए। ये कण आया, ये इसके थोड़ा पास आया तो क्या हुआ? इसने कुछ प्रतिकर्षण बल महसूस किया होगा तो यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गए। और एक कण सीधा डायरेक्ट यहां आ रहा था, अब प्लस वाला चार्ज इस पे आ रहा है तो यहां से तो ये डायरेक्ट इसको वापस प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। इस कारण से तीनों बिंदु हुए कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए क्योंकि इसके भाग के पास में नहीं थे। जैसे इसके पास में कोई आया तो उसको इसने प्रतिकर्षित कर दिया, जो ये वाला हो गया कि 120 डिग्री के कोण से। और एक कण डायरेक्ट जाके इससे टकरा रहा था क्योंकि यहां पर नाभिक था जिसमें धनावेशित भाग है, और धनावेशित कण इसके जाके टकरा रहा है, इसका मतलब वो वापस इसको भेज देगा, इसलिए 180 डिग्री के कोण से
है वो वापस क्या हो गया, मुड़ गया। तो इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसलिए अधिकांश कण सीधे निकल गए। फिर क्या कहा कि परमाणु में धनावेशित भाग होता है, इस कारण से अल्फा कण क्या हुए, कुछ अल्फा कण क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए 120 डिग्री के कोण से, और परमाणु का धनावेश एक छोटे से भाग में इसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे इसने क्या कहा, नाभिक कहा। और इसने कहा कि छोटे से भाग में जिसे नाभिक कहता है, अगर परमाणु 10^-10 मीटर का है तो नाभिक 10^-15 मीटर व्यास का होगा, तो बहुत छोटे से भाग में होता है, इसलिए 180 डिग्री के कोण से यह कण क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो ये इसके थे निष्कर्ष, क्या थे निष्कर्ष इसने निकाला। अब निष्कर्ष निकालने के बाद इसने क्या किया, अपने परिणाम दिए, क्या दिए परिणाम। तो अब हम इसको पढ़ते हैं परिणाम को, तो यहां मैं इसका परिणाम लिखता हूं। देखो इसने क्या परिणाम निकाले, इसने परिणाम क्या निकाले अपने इस प्रयोग के, तो प्रयोग का क्या परिणाम इसने निकाला, ये प्रयोग का परिणाम क्या परिणाम इसने दिया, तो देखो प्रयोग का परिणाम पहला क्या कहा इसने, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, रिक्त होता है, ये इसने कहा। तो पहला इसने परिणाम क्या कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, और नाभिक इसके छोटे से भाग में व्यवस्थित रहता है, ठीक है। तो ये परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा इसने कहा, इसने कहा कि नाभिक, इसने कहा कि परमाणु का द्रव्यमान और प्रोटॉन और उसका द्रव्यमान, यानी परमाणु का धनावेशित भाग द्रव्यमान और धनावेशित भाग नाभिक में स्थित होता है, कहां स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। तो दूसरा इसने कहा कि परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित भाग कहाँ स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, एक तो ये कहा। दूसरा इसने परिणाम क्या कहा कि परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित भाग नाभिक में स्थित होता है, और तीसरा इसने कहा कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार पथ में क्या लगा, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा है। जिसने कहा परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित भाग उसके नाभिक में स्थित होता है, और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इसके परमाणु के चारों तरफ, इसके चारों तरफ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और जिन्हें क्या कहा इन्होंने, कक्षा कहा। और चौथी बात इसने कही कि परमाणु में प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं, अतः परमाणु उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है। तो लास्ट वाली बात इसने की क्या की कि परमाणु में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, परमाणु में प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं, तो परमाणु कैसा होता है, विद्युत उदासीन, यानी परमाणु उदासीन होता है। ये किसने कहा था, आगे जेम्स जे थॉमसन ने भी कहा था, हमने कल पढ़ा था, जे थॉमसन ने भी कहा था परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं, तो परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, विद्युतीय उदासीन होता है, यानी उदासीन होता है, समझ गए, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसलिए कैसा होता है, परमाणु उदासीन होता है। तो ये इसने क्या निकाले, परिणाम क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित भाग उसके नाभिक में स्थित होता है, और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। ध्यान रखना, जहाँ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं ना, किसके, इसके चारों तरफ, इस नाभिक के चारों तरफ ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में होते हैं, तो परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये इसके क्या हुए, ये इसके हुए परिणाम। अब इसके बाद, इस परिणाम के बाद इसके क्या हुई, इसकी कमियां बताई, इसकी क्या बताई कमियां, देखो इसने क्या कमी है, इसकी दो तीन कमियां हैं वो हम पढ़ लेते हैं, ताकि रदरफोर्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो देखो इसकी कमी क्या हुई,
इसकी कमियां क्या बताई, तो इसकी देखो कमियां क्या थी, इसकी देखते हम कमियां। तो पहली कमी क्या थी कि परमाणु के बारे में, ये परमाणु की संरचना के बारे में स्पष्ट रूप से इसने जानकारी नहीं, परमाणु को स्थायित्व के, परमाणु स्थायी कब तक रहेगा इसके बारे में इसने जानकारी नहीं दी कि परमाणु ये स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में इसने जानकारी नहीं दी। तो पहला तो था परमाणु के स्थायित्व के बारे में, स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं दी, जानकारी नहीं कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं। पहला तो क्या इसका कमी थी कि परमाणु कितना स्थायी रहेगा, कब तक स्थायी रहेगा, क्या स्थायी ही रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में इसने जानकारी नहीं दी। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में भी इसने नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की संरचना, क्या वो वृत्ताकार पथ में भी है या अलग वृत्ताकार पथ में है या दीर्घ वृत्ताकार पथ में। तो दूसरा क्या हुआ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में जानकारी नहीं दी गई। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं तो हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संरचना किस तरीके की होगी, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाएंगे ये इसकी जानकारी, कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ये भी हमें जानकारी नहीं दी। क्या इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे लेकिन किस तरीके से लगाएंगे, उसकी संरचना क्या होगी इसके बारे में जानकारी नहीं दी, परमाणु के स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं दी। और तीसरा एक वैज्ञानिक आया मैक्सवेल, इस मैक्सवेल ने क्या कहा, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा देखो ध्यान समझना, मैक्सवेल ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, देखो मैक्सवेल ने इसकी कमी क्या निकाली है, मैक्सवेल ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, देखो ध्यान रखना ये हुआ हमारा नाभिक, क्या हुआ नाभिक, अब इलेक्ट्रॉन इसके, रदरफोर्ड ने क्या कहा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ये चारों तरफ क्या निकालेंगे चक्कर, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ निकालेंगे चक्कर। तो देखो ध्यान रखना ये है नाभिक, ये नाभिक, ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने, नाभिक है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने क्या कहा, देखो मैक्सवेल ने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, लगातार इस पथ में चक्कर लगाएगा तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, इसकी ऊर्जा में क्या आएगी कमी, तो धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आके गिर जाएगा। लेकिन ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया। अरे आप भी देख लो कभी एक चक्कर इस किसी घेरे के चारों तरफ में चक्कर लगाना है और लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी ना, तो हम नीचे बीच में आके गिर जाएंगे। तो सैम ऐसे कैसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो ये क्या होगा, ऊर्जा का विकिरण का उत्सर्जन करेगा, चक्कर लगाया तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, विकिरण निकलेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, तो धीरे 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 ये कहाँ आके गिर जाएगा, ये गिर जाएगा नाभिक के अंदर। लेकिन ये इसने नहीं बताया क्योंकि ऊर्जा जैसे ही ह्रास होगी तो ऊर्जा में कमी आएगी तो गिरेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगाता है, कितने चक्कर लगाता है ये इसने नहीं बताया। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने से ऊर्जा का ह्रास होता है अथवा नाभिक में गिर जाएगा, अच्छा वो नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब इसके वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाए, इस तरीके से लिखना आप, इलेक्ट्रॉन इसके वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा तो वो क्या होगा, नाभिक में गिर जाएगा, इसलिए नाभिक का स्थायित्व नहीं रहेगा, परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि इसकी कक्षा के बारे में, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में भी इसने नहीं बताया कि कौन सी कक्षा है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। तो ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं, और इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाया तो उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा और धीरे धीरे वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, इसका मतलब इसके बारे में भी इसने नहीं बताया। जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का स्थायित्व ही नहीं रहेगा, इसका मतलब इसके बारे में भी इसने नहीं बताया। किसने कहा, मैक्सवेल ने कहा। तो ये इसकी तीन कमियां होगी। तो देखो पहला क्या कहा, इसका प्रयोग
किसने अपना प्रयोग हमने पढ़ा 1911 में आया, किसने? रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने क्या कहा, सोने की पतली पन्नी पे क्या किया, अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी कराई, अल्फा कणों की क्या कराई, बमबारी। और अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद क्या हुआ, उसके चारों तरफ एक वर्ता का जिंक सल्फेट का, इसने जिंक सल्फाइड का क्या क्या लेप किया, ताकि जो कण टकराएंगे उसकी दिशा पता की जा सके। और किसकी, अल्फा कण या हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी हीलियम के कणों की जो उच्च ऊर्जा वाले, तो उनकी बमबारी कराई। पहला प्रेक्षण क्या प्राप्त हुआ, अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ क्या हो गए कण, कुछ 120 डिग्री से विक्षेपित हुए, और 120,000 में से एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री से वापस आ गया। फिर इसने अपने निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले, ये परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का धनावेशित भाग, अतः इस कारण से अल्फा कण प्रतिकर्षित हुए, परमाणु का धनावेशित भाग उसके छोटे से केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगर परमाणु 10^-10 मीटर का है तो नाभिक 10^-15 मीटर का होगा। और फिर इसने परिणाम क्या निकाले गए, परिणाम अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का द्रव्यमान और धनावेशित भाग उसके नाभिक में स्थित होता है, और परमाणु चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। और कमी इसकी क्या होगी, तो ये स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं, इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में जानकारी नहीं। और मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होगी और नाभिक में आके वो गिर जाएगा, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया। तो ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है, ये परीक्षा में पूछते हैं हर बार, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा, जब हम बोर्ड के क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़े, समझे, इसके निष्कर्ष परिणाम प्रयोग क्या है, अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके आगे परमाणु की संरचना के बारे में जो आगे वैज्ञानिक आए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।